राज्यसभा में चर्चा के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हो गया। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका था। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद देश में मेडिकल शिक्षा की जिम्मेदारी 25 सदस्यीय आयोग के पास होगी। इस बिल के जरिए सरकार शिक्षा में सुधार संबंधित कई प्रावधान भी लाई है, लेकिन आज भी इस बिल के विरोध में दिल्ली सहित देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बिल के कई प्रावधानों को लेकर डॉक्टरों के संगठनों ने आपत्ति जताई। डॉक्टरों का कहना है कि एनएमसी बिल राष्ट्र विरोधी, स्वास्थ्य विरोधी और गरीब विरोधी है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि एमएनसी बिल क्या है। भारत में अब तक मेडिकल शिक्षा, मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी और उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन ले लेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन में एक 25 सदस्य वाला संगठन होगा जो बैचलर्स और मास्टर्स की शिक्षा को देखेगा। इसके अलावा ये आयोग चिकित्सा संस्थानों की मान्यता और डॉक्टरों के पंजीकरण की व्यवस्था भी देखेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी, जबकि सदस्यों को एक सर्च कमेटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। पहले ये प्रक्रिया एक चुनाव द्वारा पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार इस बिल के अंतर्गत एक काउंसिल का गठन करेगी जहां राज्य मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में अपनी समस्याएं और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद ये काउंसिल नेशनल मेडिकल कमीशन को मेडिकल शिक्षा से संबंधित सुझाव देगी। नेशनल मेडिकल कमीशन देश भर के सभी निजी मेडिकल संस्थानों में 40% सीटों की फीस तय करेगा, जबकि शेष बचे 60% सीटों की फीस निजी संस्थान खुद तय करेंगे। इस बिल की धारा 49 के मुताबिक एक ब्रिज कोर्स करते आयुर्वेद, होम्योपैथी के डॉक्टर भी एलोपैथी इलाज करने के योग्य हो जाएंगे, और वहीं इस बिल की धारा 58 के मुताबिक इस कानून के प्रभावी होते ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके एवज में उन्हें 3 महीने का वेतन और भत्ते मिलेंगे। साथ ही नए बिल के मुताबिक देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए केवल एक परीक्षा ही ली जाएगी। इस परीक्षा का नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान साल 2018 में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में रखा था, जिसे अब राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। न्यूज़ डेस्क।